कि आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नीट की प्रिपरेशन के लिए, समझ रहे हैं? तो ये स्ट्रेटजी वीडियो 2 है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था, सो अगर आपने वो वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, और नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए। रीज़न क्या है उस वीडियो को देखने का? रीज़न ये है कि आपको ये पता चलेगा कि मिस्टेक्स कहाँ होती हैं, ठीक है? और ऐसी स्ट्रेटजी वीडियो अब आती रहेंगी। मैं लास्ट ईयर नहीं डाल रहा था, लेकिन मुझे लगा कि इस बार डालना चाहिए। रीज़न क्या है कि आप ना, जब कभी कभी चलता है ना, शुरुआत यहाँ से की है सही तरीके से, रास्ते पे आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, आपका पाथ बिल्कुल सही चल रहा है, फिर धीरे 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 आपका पाथ ना ऐसे एक पर्टिकुलर ट्रेजेक्टरी पे जाना शुरू हुआ, जो ट्रेजेक्टरी आपके काम की नहीं है, चाहे इधर जा रही हो चाहे इधर जा रही हो, ठीक है? कभी कभी क्या होता है, इतनी बेकार ट्रेजेक्टरी पे आप जाते हैं कि आप वापस चलने लगते हैं, ठीक है? सो मान लीजिए कि आप इस ट्रेजेक्टरी पे घूम रहे हैं, आपको लग रहा है कि यू आर प्रिपेयरिंग, बढ़िया से चल रही प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई तो कर रहे हैं, 8 घंटा 10 घंटा आप दे रहे हैं, लेकिन आप कहाँ घूम रहे हैं आपको नहीं पता है। यू आर रोमिंग अराउंड, और तब तक पता चला कि एग्ज़ाम जो है 2025 का नज़दीक आ गया, अभी आप 2024 में हैं, समझ रहे हैं ना? ऐसे इधर से कहानी बनेगी, अब कहाँ जाना है आप पता नहीं है, कभी कभी ये पाथ बहुत लंबा हो जाएगा, कभी कभी थोड़ा जल्दी से बीच में अगर गलती से आपको ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया, आपने एक आध दिन एनालाइज कर लिया कि यार चल क्या रहा है, या किसी ने कुछ बोल दिया, आपके पेरेंट्स ने कुछ बोल दिया, आपको दिमाग में आ गई चीज़ें, ठीक है? पाथ तो रियल वाला ये है, ये पाथ है आपका, लेकिन आप फॉलो कौन सा कर रहे हैं, ठीक है? आप फॉलो कौन सा कर रहे हैं, और अगर ये पाथ फॉलो नहीं करेंगे ना, तो आप जरूरी नहीं यहाँ पहुँच जाएँ, फिर आप यहाँ पहुँचते पहुँचते रह जाएंगे, आप इधर साइड में घूम जाएंगे, आप कभी यहाँ पे पहुँच नहीं पाएंगे, इस बात को जानिए, ठीक है? सो दीज आर द थिंग, दे ये क्या है, ये हैं डिस्ट्रैक्शंस। क्या है ये डिस्ट्रैक्शंस? थोड़ा सा अगर ये राइटिंग लैग होगी तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको जो दिख रहा है, जो आवाज़ समझ में आ रही है उससे समझिए, ठीक है? सो स्ट्रेटजी वीडियो का इम्पोर्टेंस यही है कि आपका जो डिस्ट्रैक्शंस होता है बीच बीच में, उसको हमको ट्रैक पे लाना है। जैसे ही वीडियो आएगी, और अगर आप वीडियो देखेंगे और आपको लग रहा है कि हमने कुछ बोला और आपको लग रहा है कि आप उस पाथ पे चल रहे हैं, तो आप तुरंत वापस आइए, इमीडिएटली आप इमीडिएटली वापस आइए, कहीं पे भी रहिए आप तुरंत वापस आइए अपने पाथ पे, सो दैट आप कम से कम उस लेवल पे पहुंच जाएं कि आप एग्ज़ाम देने जाएं तो यहाँ पे आपको कपकपी ना हो, फीवर ना हो, टेंशन ना हो, स्ट्रेस ना हो, आप रिलैक्स होकर एग्ज़ाम में बैठें, ठीक है? तो इस स्ट्रेटजी वीडियो में हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे, बहुत बड़ी बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, अब छोटी बनाएंगे, लेकिन ये हफ्ते में 1 या 2 दिन, या जब भी हमको लगेगा कि आप की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है किसी तरीके से, तो मैं बना दूंगा, ये मैं फील कर लूंगा, ठीक है? तो जस्ट जस्ट फॉलो द स्ट्रेटजी, जस्ट फॉलो द स्ट्रेटजी, और ये स्ट्रेटजी ऐसे है कि आपका जो टाइम है वो लेस टाइम में आप कैसे चीज़ों को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है? तो बेस्ट वे टू फिनिश योर प्रिपरेशन इन लिमिटेड टाइम, ये कैसे पॉसिबल है बताइए? आपके अपने तरीके हो सकते हैं, नो डाउट, आपका अपना तरीका हो सकता है ना, और यहाँ पे मैं एक तरीका बता रहा हूँ, आपको वो फॉलो करना है कि कैसे इन चीज़ों को आपको बेस्ट तरीके से लिमिटेड टाइम में, जो कि आपका 1 साल का ड्यूरेशन हो, या आप 11th क्लास में हैं तो 2 साल का ड्यूरेशन लेके चल रहे हैं, ड्रॉपर हैं चाहे 12th में हैं, यहाँ पे ड्रॉपर या 12th वाला बच्चा, ये इसके लिए 1 साल का होगा भाई, टाइम ड्यूरेशन यही लेके चलना है, पंचवर्षीय योजना में नहीं बिलीव करना है, या 2 साल का होगा, ठीक है? यही है आपका, ये लिमिटेड टाइम है, आपको पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं सोचना है कि 1 साल पहले हम ऑनलाइन कोचिंग लेके करते हैं, फिर दूसरे साल ऑफलाइन लेके करते हैं, फिर तीसरे साल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों, समझ रहे हैं ना? पहले साल ऑनलाइन, तीसरे साल ऑफलाइन, और फिर पहला, ठीक है, दूसरा साल, और तीसरा साल जो आएगा आप कहेंगे अब दोनों ऑन प्लस ऑफ दोनों लेके चल रहे हैं। यार ये प्लान मत बनाओ ना, ऑनलाइन लेके चल रहे हो तो भी प्लान यही होना चाहिए कि भाई 1 साल या 2 साल जो भी ड्यूरेशन है आपका हो जाना चाहिए, ऑफलाइन भी है तो भी यही प्लान चलना चाहिए, ठीक है? समझ रहे ना? और इसके लिए सबसे बेस्ट वे क्या है कि सबसे पहले ना
आपको सिलेबस और पैटर्न सब कुछ एकदम दिमाग में पता होना चाहिए, दिमाग में एकदम घुसा रहना चाहिए। सिलेबस तो पता ही है, आपको लगता है कि एनसीईआरटी याद से आता है, लेकिन सिलेबस याद भी नहीं रहता लोगों को। सिलेबस दिमाग में होना चाहिए, प्लस पैटर्न बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पैटर्न, और पैटर्न जानने के लिए आपको PYQs जो है ना, इसके ऊपर डेली नज़र होनी चाहिए, एकदम पैनी नज़र जिसको कहते हैं, ना, जैसे कुछ बच्चे होते हैं क्लास में, किसी के ऊपर क्रश रहता है, टीचर के ऊपर भी क्रश आ जाता है लोगों का, ठीक है, बच्चों बच्चे एक दूसरे के ऊपर क्रश रहता है, जो भी आप समझ लीजिए, तो आपकी नज़र जो है ना उस पर डेली जाती है, और जिस दिन वो नहीं दिखती है या दिखता है, तो आप इधर उधर मंडराते रहते हैं, आपका मन जो है उदास रहता है। तो सेम चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए कि अगर आप जिस दिन PYQ नहीं देखे, या आपने पैटर्न को एनालाइज नहीं किया, या आपने कुछ चीज़ नहीं पढ़ी, तो आपका दिमाग ना उदास रहना चाहिए, तब फील होगा कि आप रियल में प्रिपरेशन कर रहे हैं। समझ में आया बात? तो ये एक तरीका है चीज़ों को करने का। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे हम लिमिट करेंगे, ठीक है। सो जो प्लान है ना, कि आप टाइम ड्यूरेशन में, एक साल के टाइम ड्यूरेशन में और लिमिटेड टाइम में, ठीक है, कैसे चीज़ों को कंप्लीट करेंगे, तो ये एक फार्मूला है मेरा बनाया हुआ, ठीक है, फार्मूला, और ये बहुत इफेक्टिव है, बहुत इफेक्टिव है अगर आप सही से फॉलो करते हैं तो, ठीक है, इफ़ यू फॉलो, ठीक है, अगर नहीं फॉलो करेंगे तब तो कोई बात ही नहीं भाई। फार्मूला है 2:2:1 का, ठीक है, 2:2:1 का मतलब जितना भी आप पढ़ाई करते हैं इन जनरल, उसका दो पार्ट जो है आपके फिजिक्स में जाना चाहिए, और दो पार्ट जो है आपके केमिस्ट्री में जाना चाहिए, ठीक है, और एक पार्ट जो है आपके बायोलॉजी में जाना चाहिए। एक सेकेंड, ठीक है, एक पार्ट आपके बायोलॉजी में जाना चाहिए, समझ रहे हैं कि नहीं? और ये जनरल फार्मूला है, ये मत सोचिए कि हमारी बायोलॉजी केमिस्ट्री तैयार है तो हम, नो 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 नो, यू फॉलो दिस फार्मूला ओनली। केमिस्ट्री और फिजिक्स किसी तैयार नहीं रहती है, वो तैयार होता है, किसी में परेशानी रहती है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो है ना आप एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन फार्मूला यही होना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे मात खाते हैं सबसे ज़्यादा बच्चे मात इन्हीं दोनों में से खाते हैं। बायोलॉजी तो आपको लगता है कि आसान है, तो आप उसके ऊपर फोकस ही नहीं करते हो, ठीक है। और इफ़ेक्टिव जो स्टडी टाइम है आपका, नीट अगर आप ढंग से क्वालिफाई करना चाहते हैं टॉप के कॉलेज में, तो 8 से 10 घंटे, अगर 2 साल का आपका टाइम पीरियड है तब भी, और 1 साल का है तब भी, 8 से 10 घंटे रेगुलर, ठीक है, रेगुलर मतलब एक आध दिन अगर आपने मिस किया, तो आप कोशिश करिए कि 1-2 दिन के अंदर में उसको आप कोप अप कर लेंगे, कैचअप कर लेंगे। तो रेगुलर ये 8 से 10 घंटे का इफेक्टिव स्टडी होना चाहिए, इफेक्टिव इफेक्टिव। अगर इफेक्टिव नहीं है तो कोई मीनिंग नहीं है। आप 8-10 घंटे केवल किताब लेके बैठे हैं, 2 चैप्टर, 2 पन्ना, कभी कभी ऐसा होता है, हम देखे हैं बच्चों को कि बुक खोल के बैठे हुए हैं ऐसे, ठीक है, और केवल इसी पेज पे अटके पड़े हैं, दूसरे पेज पर तक नहीं पहुंच पाते हैं। कहेंगे उनके बाद जब पूछेंगे ना कि भाई क्या, तो ये डिस्टरबेंस है ना, आप खोल के बैठे हैं, फिर उसी में 5 मिनट पढ़े, 2 लाइन पढ़े, समझे थोड़ा बहुत, तब तक फिर पता चला रील्स देखना शुरू कर दी, तब तक चला पता चला कि मैसेज पे चल रहा है, बात चल रही है, तो नहीं होगा। फोकस बहुत ज़रूरी है इसीलिए, ठीक है, ये आपके दिमाग की बत्ती जो है जलाएगा। इसके लिए कैसे आप चीज़ों को करेंगे, इसमें जो रिसोर्सेस है ना उसको आपको लिमिट करना पड़ेगा भाई। आपको PDF कलेक्टर नहीं बनना है, ठीक है, PDF कलेक्टर नहीं बनना है, आजकल चल रहा है ना, इसके लिए मैं एक और वीडियो बना रहा हूँ रिमाइंडर कॉल के लिए, लेकिन ये चल रहा है। आप लोग जो है YouTube पे जाते हैं, ठीक है, फिर सबके चैनल को ज्वाइन कर लेते हैं, स्पेशली आजकल ट्रेंड में देखा है, पहले भी रहता था लेकिन आजकल ज़्यादा ट्रेंड में हो गया, यूट्यूबर जो है दे आर फाइंडिंग द फीमेल टीचर। ऐसा नहीं कि फीमेल टीचर खराब होती है, नो नो, देयर आर बेस्ट टीचर इन द फीमेल कैटेगरी ऑल्सो, बट क्या है ना कि स्ट्रेटजी डिफरेंट है। यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए और चीज़ों के लिए मतलब क्या क्या किया जा रहा है आप लोगों को पता है, आप लोग इतने वाइज हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे, उनका पर्सनल कुछ और ज्वाइन करेंगे, ठीक है, आप कॉल और परेशान रहते हैं, आप क्लास देखते समय क्लास से ज़्यादा बिजी कहाँ रहते हैं, कमेंटिंग में, और कुछ भी कमेंट आप काम का नहीं करते हैं, आप पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ों का कमेंट नहीं करते हैं, आप ऐसे वाहियात टाइप की चीज़ें पूछते हैं और बताते हैं, दूसरे में इंटेलिजेंस रहते हैं, तो फिर नहीं, ये काम नहीं करना है।
आपके पास रिसोर्सेस हैं, और सब कोचिंग जो है एक ही रिसोर्स प्रोवाइड करती है, और वो रिसोर्स है एनसीईआरटी का। उनका जो मेन रिसोर्स होता है ना एनसीईआरटी ही है। उसके अलावा जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में थोड़ा कंसेप्चुअल क्लैरिटी और एग्जाम्पल के लिए वो अदर बुक्स जो है फॉलो करते हैं, और वही चीज़ आपको बताई जाती है। इसीलिए रिसोर्स को आपको लिमिट करना है। आप 1000 चीज़ को, 1000 लोगों के नोट्स को कलेक्ट करके रखने से कुछ नहीं होना है। और एक प्लान जो आपके लिए काम करना शुरू कर दिया, आपको लग रहा है कि इस तरीके से आपकी पढ़ाई हो रही है, बढ़िया, आपको मज़ा भी आ रहा है ना, तो हमेशा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाए, स्टिक टू दैट प्लान। किसी के कहने से, चाहे टीचर हो, चाहे आपका दोस्त हो, चाहे जो भी हो, आपको उसके कहने से प्लान को चेंज नहीं करना है। सपोज आप पढ़ाई रात में कर पाते हैं, रात में बहुत इफेक्टिव पढ़ाई होती है 2 से 3 बजे तक आपकी, तो आप वहीं करिए। लेकिन 2 से 3 बजे तक पढ़ने के बाद ना, आप सोने का काम जो है 7 से 8 घंटे ही रखिए। ऐसा नहीं कि 2-3 बजे तक पढ़े तो उसके बाद दिन में 3 बजे तक सो के उठ रहे हैं, 2 बजे 3 बजे तक सो के उठ रहे हैं, फिर पूरा दिन गायब हो गया। नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, प्लान वही होना चाहिए। मैक्सिमम जो सोने का टाइम आपके होना चाहिए 8 घंटे मैक्सिमम। भाई 6 घंटे कर लेंगे तो बेहतर है, लेकिन 8 घंटे भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन इनफ टाइम है। क्लियर है? सो ये फार्मूला फॉलो करना है। आपकी 10 घंटे की अगर पढ़ाई है, अरे यार सॉरी, ऊपर चला जा रहा है पता नहीं कैसे। आपकी अगर 10 घंटे की पढ़ाई है सपोज, एक सेकेंड, ठीक है, सो 10 घंटे की, अरे वाई दिस इज हैपनिंग, आई एम नॉट फॉलोइंग द, ओके यहाँ बताए थे भाई, ये 10 घंटे का जो सीन है ना, तो 10 घंटे में आपका, मान लीजिए टोटल पढ़ाई 10 घंटे की, तो 10 घंटे में क्या हो जाएगा, 4 घंटे ये हो जाएगा, 4 घंटे ये हो जाएगा, और 2 घंटे ये हो जाएगा। टोटल टाइम जो है ना, 4-4 घंटे का आपका फिजिक्स, 4 घंटे केमिस्ट्री, 2 घंटे बायोलॉजी। अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, लेकिन ये बेस्ट स्ट्रेटजी है। और जैसे आपका टाइम इससे बढ़ता है, तो आप उसी के अकॉर्डिंग टाइम को चेंज कर लीजिए। क्लियर है? ओके, आते हैं अगले पे। ये देख रहे हैं ना, बेस्ट वे टू मैक्सिमाइज योर एक्यूरेसी एंड मिनिमाइज योर मिस्टेक। सबसे बड़ा यही ब्लंडर करते हैं बच्चे पूरी पढ़ाई में ना, सबसे ज़्यादा ब्लंडर जो है यही होता है। रीज़न क्या, आप पढ़ाई तो बहुत करते हैं, लेकिन आपकी एक्यूरेसी कितनी है इस पे ध्यान नहीं देते हैं। आप मिस्टेक्स जो कर रहे हैं ना, आप उसको ऐसे ही, इसीलिए मिस्टेक्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हुए चलते हैं कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, एग्ज़ाम में सही कर लेंगे, एग्ज़ाम में सही कर लेंगे। आपका पैटर्न क्या हो जाता है, अरे ये तो टेस्ट हो रहा है, कोचिंग का टेस्ट है, यहाँ पे ऐसे ही पेपर बनाते हैं, वहाँ वैसे ही पेपर बनाते हैं। एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न अलग होता है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन चीज़ें आती हैं वहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है, क्वेश्चन सही कर लेंगे। नहीं भाई, वहाँ पे जाके आप ब्लंडर करते हैं, एग्ज़ाम में पहुँच के आप ब्लंडर करते हैं। तो एक्यूरेसी के लिए आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस का तरीका क्या है, मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन लगाया है एक दिन में, सपोज आपको बताएंगे ज़्यादा क्वेश्चन कितना लगाना सूटेबल रहेगा। 10 क्वेश्चन आपने लगा लिया, और इसमें आपने हर वैरायटी के, मतलब इजी टू इजी टू डिफिकल्ट, ठीक है, जो भी क्वेश्चन लगाए आपने, 10 क्वेश्चन लगा लिया। अब 10 क्वेश्चन में से मान लीजिए आपके 6 क्वेश्चन जो है करेक्ट थे, ठीक है, और 4 क्वेश्चन जो है ना रॉन्ग हो गए, तो आपने आंसर देख के मिला लिया, और उसके बाद किताब कॉपी बंद कर दिया, और आपने फिर से अपना जो पढ़ रहे थे वैसे पढ़ना शुरू कर दिया। नहीं, यही स्ट्रेटजी कभी भी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी नहीं होती है। आपको इन 10ों क्वेश्चन को एनालाइज करना है कि जो 10 सही हुए हैं, तो इसमें से ऐसे कौन से हैं जो तुक्के में सही हुए हैं। ये आपको पता होगा, क्योंकि आप तुक्के में जब आंसर लगाते हैं ना, तो आपको पता होता है तुक्के में कौन से सही हैं। इसको आपको डिटेल में पढ़ना है, और जो ये 4 गलत हैं, इनका भी डिटेल एनालिसिस करना है खुद से। डू नॉट बींग डिपेंडेंट अपॉन टीचर और एनी वन एल्स, ये डिटेल एनालिसिस खुद से करनी है, किसकी, गलत क्वेश्चन की, और जो क्वेश्चन तुक्के में आपने सही किया, ठीक है। और इसमें से भी अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार आपको गड़बड़ हो रहा है, बार बार मिसिंग है ना, तो उसका एक नोट बनाइए, सेपरेट नोट्स रखिए, और उसमें आप उन पॉइंट्स को लिखते जाइए। वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का एक ही कॉपी में अलग अलग बना लीजिए, अलग अलग कर लीजिए। इसी तरीके से आप जो है ना एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं, और मिस्टेक्स को रिड्यूस कर सकते हैं। सोचिए, टॉप कॉलेज में जाने के लिए आपकी एक्यूरेसी बहुत हाई होनी चाहिए, मोर देन 90%, 95%, देन ओनली यू कैन रीच टू दैट लेवल। क्लियर है ये तरीका?
ओके सो ये अगर आप ऐसे करते आएंगे तब आपका जो ना जो दरवाज़ा है मेडिकल कॉलेज का विदाउट मच हैसल, मतलब बहुत परेशानी और प्रेशर के बिना, बहुत ज़्यादा आपको टेंशन नहीं होगी, नो स्ट्रेस, ठीक है, नो स्ट्रेस। इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी स्ट्रेस विल नॉट बी देयर, और आप ना मेडिकल कॉलेज में ऐसे आला लेके, ठीक है, आला लेके, हिंदी में आला बोलते हैं, ठीक है, स्टेथो, स्टेथो स्कोप होता है, स्टेथो आप बोल सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, स्टेथो स्कोप। सोचिए कि आप ऐसे लटका के एकदम व्हाइट गाउन में, मतलब व्हाइट जो आपका एप्रन होता है उसमें घूम रहे हैं कॉलेज में, क्या मज़ा आएगा, नहीं? लेकिन आप पीछे जो बताया है ना उस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तब, जो स्ट्रेटजी आपके लिए वर्क करती है, टाइम लिमिट कैसे करना है, कैसे फोकस्ड रहना है, और जब मोटिवेशन डाउन होगा तो उसके लिए मेरी वीडियो आती रहेंगी। मतलब मैं बहुत ज़्यादा आपको मोटिवेशन ऐसे नहीं दिखाऊंगा कि मतलब पत्थर तोड़ते हुए, ये करते हुए, वो करते हुए, लेकिन रियल स्टोरी से बताऊंगा कुछ कुछ चीज़ें, और कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हैं मैं आपको बता दूंगा। आप उसी पॉइंट पे बस आपको रुक जाना है, रुक के फिर से वापस आ जाना है। आपको डिस्टेंस नहीं बढ़ानी है, ठीक है, आपको डिस्टेंस नहीं बढ़ानी है, आपको डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करना है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझते हैं ना, जो मिनिमम डिस्टेंस होती है दो पॉइंट के बीच में, ठीक है भाई, यहाँ से आप चले ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुँचना है, तो मिनिमम डिस्टेंस जो होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, वेक्टर क्वांटिटी। आप इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर घूम रहे हैं, पता चला कब पहुँचेंगे पता नहीं है, हो सकता है ना भी पहुँचे, गायब हो जाए, ठीक है। सो ये डिस्टेंस नहीं बढ़ानी है, सॉरी सॉरी सॉरी, डिस्टेंस नहीं बढ़ानी है आपको, ठीक है, आपको डिस्प्लेसमेंट पे वर्क करना है। क्लियर है, क्लियर है कि नहीं? और ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे तो इतना गारंटी है कि आपको टेंशन और प्रेशर तो नहीं होगा, क्योंकि ये पढ़ाई जो है ना पूरे साल की है, एटलीस्ट 1 साल, और 2 साल टाइम लेके चल रहे हैं आप तो 2 साल की, ठीक है। और आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन जो है एग्ज़ाम के 2 महीने पहले हो जानी चाहिए, 2 मंथ बिफोर, वो हो जाएगा, उसका भी कोई लोचा नहीं है। और जब ये हो जाएगा सारा तो आप कहाँ पहुँचेंगे, टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज में। आपके दिमाग में यही होना चाहिए, आपका जो फोकस होना चाहिए, आपका जो टारगेट होना चाहिए, ठीक है, यही होना चाहिए। अगर ये टारगेट में नहीं है तो फिर आपकी पढ़ाई नहीं होगी, इस बात को ध्यान रखिए। अगर आपने टारगेट ही सबसे लो लो लेवल के कॉलेज को कर लिया है, समझ रहे ना, अगर आपका टारगेट ही बहुत लोवेस्ट लेवल का है, ठीक है, लोवेस्ट कॉलेज, या आप सोच रहे हैं कि चलो बाप के पास पैसा है, पेरेंट्स के पैसा है या ज़मीन है बहुत सारा, बेच बाच के हम प्राइवेट कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक फीस देंगे आराम से, ठीक है, 1 CR, और काम हो जाएगा, ना बाबा वो क्यों करना है, ठीक है, उनको वो जिन जो सोच रहे हैं वैसा वो चलें उस रास्ते पे। लेकिन आपके पास सोचिए, आपके पास क्या है, आप किसान के बेटे हैं, ठीक है, आप एक बहुत नॉर्मल से मजदूर के बेटे हैं, आप एक शॉपकीपर के बेटे हैं, एक आप नॉर्मल मिडिल क्लास जो नौकरी पेशा आदमी होता है उसके बेटे बेटी हैं, बेटे बेटी दोनों के केस में है, ठीक है। तो आप ना ये कोशिश करिए, आप ये मत सोचिए इस लीग में आप नहीं हैं, आपके आपके ओवरऑल आपकी पूरी जमा पूंजी है, घर द्वार सब बिक जाएगा ना, तब भी आप प्राइवेट प्राइवेट कॉलेज में नहीं पहुंच पाएंगे। और एक बार अगर पढ़ लिए, एक बार अगर पढ़ लिए ढंग से तो आपकी कहानी जो है ना वो एकदम से मस्त हो जाएगी, मस्त बन जाएगी, ठीक है। तो आपका जो फोकस हमने बताया, फोकस एंड टारगेट, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, कहाँ होना चाहिए, समझ रहे हैं? नहीं, जितने टॉप क्लास के कॉलेजेस हैं इंडिया में, आपका दिल्ली में है, मौलाना आज़ाद है, एम्स है, लेडी हार्डिंग है, इसके अलावा भी हैं, आपका अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं डिफरेंट, तो हर स्टेट में एक दो कॉलेज, तीन का कॉलेज जो है ना बढ़िया बढ़िया है। आपको टारगेट उन्हीं कॉलेजेस का करना है। अगर आप सबसे लो ग्रेड का करके कर रहे हैं तो फिर बता ही दिया मैंने कि आपके पास इतनी जमा पूंजी, जितनी भी जमा पूंजी है ना, अगर आप बिलोंग करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेटा से, हमने वो भी आपको बताया कि आप अगर मान लीजिए जैसे बताया ना कि आप किसान हैं, ठीक है, किसान के बेटे हैं, या कोई शॉपकीपर के बेटे हैं, या कोई नॉर्मल सा इम्प्लॉई है, कोई मिडिल क्लास का पर्सन है, लोअर मिडिल क्लास का है, जॉब कर रहा है, कोई 8-10 हज़ार की नौकरी कर रहा है, 20 हज़ार की, इवन 50 हज़ार की सैलरी वाला पर्सन, 50K पर मंथ सैलरी वाला पर्सन ना, ठीक है, आज के टाइम पे
आज के टाइम पे अपने बच्चे को ढंग से कोचिंग करवा रहा हो अगर और पढ़ाई करने के लिए सोच रहा हो ना, तो बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, इस बात को जान लीजिए। तो सोचिए कि इसके नीचे वाले लोगों की क्या मतलब बिसात है। सो इसलिए कह रहे हैं कि आपके पास एक ही सबसे सबसे जो बेस्ट स्ट्रेटजी है और बेस्ट थिंग है करने के लिए, वो क्या है? आपका फोकस नहीं बिगड़ना चाहिए, आपका टारगेट नहीं मिस होना चाहिए, और आपका जो हार्ड वर्क है ना, वो काम आएगा यहाँ पे। आप दूसरों के चक्कर में ना पड़िए कि भैया हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क, ना 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 ना, हार्ड वर्क हमेशा पे करेगा, ठीक है? स्मार्ट वर्क के चक्कर में आप ना पड़िए कि स्मार्ट वर्क का पहले तो पता ही नहीं होगा कि आपको स्मार्ट वर्क होता क्या है। स्मार्ट वर्क के बारे में ही मैंने पीछे बताया कि आपको जो सिलेबस है वो एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है? सिलेबस के साथ साथ जो आपके रिसोर्सेस हैं वो क्लियर होने चाहिए। देखिए फिर से ये वापस चला गया। रिसोर्सेज जो है वो क्लियर होने चाहिए, ठीक है? और उन रिसोर्सेज पे आपकी जो पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है उस पे स्टिक रहना है, बस। दिस इज द स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क जो है ना करना है बाबा। स्मार्ट वर्क के साथ साथ आपको हार्ड वर्क ये करना है, ये नहीं करेंगे ना, ये मैंडेटरी है। और ये भी मैंडेटरी है, स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता है कि एग्जाम के 4 दिन पहले हम वीडियो देख के काम चला लेंगे। स्मार्ट वर्क का ये मतलब नहीं होता है कि आपको ऑनलाइन वीडियो मिल गई है यूट्यूब पे फ्री की वीडियो, या आपने ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं तो फिर आपका काम वहीं से केवल हो जाएगा। देखिए पैसिव लर्निंग छोड़िए, ठीक है? पैसिव लर्निंग छोड़ना है आपको, पैसिव लर्निंग नहीं करनी है। लर्निंग कौन सी करनी है? एक्टिव। एक्टिव में क्या होता है, आपका इंगेजमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज आप लोगों को ना स्पून फीडिंग कराई जा रही है और आप वहीं कर रहे हैं, ठीक है? तो डू नॉट बिलीव इन दैट स्पून फीडिंग, ठीक है? एक हम इसके आगे वाली वीडियो में उसके ऊपर भी पूरी चर्चा करेंगे। आप स्पून फीडिंग पे बिलीव मत करिए, जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं जस्ट फॉलो द स्ट्रेटजी। ये पीछे का हमने सब बताया है ना कि कैसे कैसे चीज़ें करनी है, क्या क्या करना है, ठीक है? बेस्ट वे मैक्सिमाइज एक्यूरेसी कैसे मैक्सिमाइज की जाएगी, और ये वाला प्लान जो हमने बोला कि इसको कैसे फॉलो करना है, ये प्लान बहुत बेहतरीन प्लान है, इसको आप मिस मत करिएगा। इसको ना बहुत अच्छे तरीके से आपको फॉलो करना है। फॉलो दिस स्ट्रेटजी, फॉलो दिस प्लान, ठीक है ना? ये फार्मूला हमेशा काम करेगा आपके लिए, हमेशा। आपका जो भी स्ट्रांग और वीक सब्जेक्ट हो, तीनों सब्जेक्ट का ये बता दिया हमने, फिजिक्स का इसमें था, केमिस्ट्री का था, ठीक है, और बायो का था, तीनों बता दिया। अब तीनों को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो करो, लेकिन आप स्टिक टू दिस प्लान। और ये जब काम करने लगे तो आपको इधर उधर नहीं सोचना है, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। आप चीज़ों को देखिए, समझिए और पढ़ना शुरू करिए, ठीक है? टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? एग्ज़ाम आने में टाइम नहीं लगता है, ठीक है? टाइम बीतने में भी टाइम नहीं लगता, इस बात को ध्यान रखिए, क्लियर है? ओके, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में एक नए स्ट्रेटजी प्लान के साथ मिलेंगे, जहाँ पे आपकी दिक्कतें हो रही होंगी उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट आपको बस एक चीज़ करनी है, जस्ट